तो मैंने किसी तरह उसको जो है से मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त करना चाहते होंगे, किसी तरह का कोई उगाही करना चाहते होंगे। वैसे की उगाही कैसे करना, यही तो लगता तो यही है ना। तो हम लोगों से वैसे जीएमएस वालों को बदनाम किया जा रहा है या चिट्ठी निकाला जा रहा है, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाला जा रहा है कि जीएमएस वाले गलत तरीके से इस नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, यह नारा आप जब से नीतीश जी की सरकार आई है आप बराबर सुन रहे हैं। मगर इसी बिहार में कितना भ्रष्टाचार है यह खुलासा आप देसी बिहार में लगातार सुन रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे पास एक कागज है, इसके बारे में हम सारा प्रक्रिया आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने हुए। जिस तरह से लोगों की बहालियों में धांधली होती, कुछ दिन पहले आपने देखा था और हमारे माध्यम से सुना भी था, अमीन अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट है, किस तरह से उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। उसी तरह हमारे साथ है आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनके साथ भी फर्जीवाड़ा होने वाला है, यह भी परेशान है, यह भी गुहार लगाए हैं। आइए उनसे पूछते हैं, उन्हीं के मुंह से उनकी समस्या क्या है जो वह आज यहाँ पे आए हुए हैं फरियादी मन के। सर बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। सर हम, मैं डॉक्टर सुनील कुमार जी सर, जीएमएस डॉक्टर हूँ जी। हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 1994 क्या है सर आप लोगों की, ये बताइए। परेशानी हम लोग को ये है कि हम लोग को जब सरकार का वैकेंसी मतलब 4/2020 में आई थी, उससे लेकर के 9/2020 तक चला, जिसमें हम लोग जो है वैकेंसी में छांटने का प्रयास किया गया है, उसमें बीएमएस को जो है लेकर के और जीएमएस को छांटने के प्रयास के लेकर के तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन रजिस्ट्रार साहब के द्वारा दिया गया है, इसमें वो अपने पत्नी को उसमें शामिल करने के लिए इंटर प्रवेश कर रहे हैं, और जीएमएस के लड़कों को फर्जी तरीके से जो पेपर में दिए हैं फर्जी तरीके से जो है से उसको सोच रहे हैं कि इसमें से हटाया जाए, ये उनका धांधली है। और ख़ास करके मतलब बिहार में इस तरह का जो है से धोखाधड़ी हो रहा है, और वो स्टेट में ऐसा कहीं नहीं है कि उसके बीएमएस ऑब्लिक जो है उसके समकक्ष दिया रहता है। हम लोग को जीएमएस से मतलब वंचित करने के लिए ये सारा प्रयास उनका है, बार बार जो है से इस तरह का जो है से दिया जा रहा है, जबकि हम लोग रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, फिर भी हम लोग के साथ इस तरह का जो है से धोखाधड़ी करने का काम अभी वर्तमान जो है रजिस्ट्रार साहब का द्वारा जो है से इस तरह किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार तो नहीं है, पैसे की लेन देन तो नहीं कर रहा रजिस्ट्रार साहब? आपने बताया कि फर्जी सिग्नेचर भी है, पूरा फर्जी सिग्नेचर है इसमें जो है से। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर इसमें जो है से जाँच बहाल किया जाए कि इसके में क्या जो है से मतलब सिग्नेचर जो है से फर्जी। रजिस्ट्रार का क्या नाम है? रजिस्ट्रार को जो है से अरुण कुमार सिंह नाम है। आपका क्या शिकायत है ये बताइए। मेरा शिकायत यही है कि जो है हम लोग जीएमएस के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बिहार से रजिस्ट्रेशन भी हुआ, उसके बावजूद वैकेंसी हुआ, वैकेंसी में हम लोग जो है वैकेंसी भरे, सिलेक्शन भी हुआ, वैकेंसी माने सिलेक्शन भी हुआ, उसके बाद कॉल लेटर भी गया है। इसमें जो है ये देखा जाए, ये थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके से, ये पेपर देखा जाए, सिग्नेचर दिखाइए, इसमें देखा जाए सिग्नेचर, देखा जाए जी, ये सिग्नेचर दिखाइए, इसमें पूरा सिग्नेचर देखा जाए किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है जी। फर्जीवाड़ा का जो है से इसमें स्वयं लड़के के बदले में स्वयं रजिस्ट्रार साहब खुद का करे हुए हैं, इसमें फर्जी कहीं से स्कैन करके कुछ करके एडिट किया हुआ है, पूरे फर्जी तरीके से दिया गया है, और रजिस्ट्रार साहब उनका खुद का इसमें जाने के लिए बनना चाहते हैं, उनका पत्नी इसमें मतलब जो है से भरे हुए हैं वैकेंसी, वो नौकरी उनकी पत्नी नौकरी लेना चाह रहा है फर्जी तरीके से। फर्जी तरीके से उसमें नहीं, उसको मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए अरे ऐसे रजिस्ट्रार उसमें जो है से प्रवेश करना माने चाहते हैं, जबकि उनका इसमें प्रवेश के लिए जो है से इसमें दिया गया है कि जो वो चाहते हैं कि किसी तरह मतलब इस बहाने को लगा करके कि और जीएमएस को किसी तरह छांट देना है, बस टोटल उनका जो है से वॉयलेशन उस जीएमएस के लेकर के। क्या क्यों रजिस्ट्रार साहब इस तरह, उनका क्या उनके अब वो तो इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त तो होना चाह रहे हैं। किसी को तो नियुक्ति तो कर रहे होंगे उस पद पे, नियुक्ति जो है उस पद पर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग के साथ जो है से मतलब इस तरह का मतलब किया जा रहा है, दोषारोपण किया जा रहा है, उसमें इग्नोर किया जा रहा है, जबकि हम लोग भी तो बिहार सरकार के जो है मतलब जो है से रजिस्ट्रार मतलब पूर्व चाहे जो भी रजिस्ट्रार है हम लोग उसके द्वारा निबंधक उनके द्वारा किया गया हुआ हूँ, और फिर भी जो है से उसमें इस तरह का जो है से हम लोग के साथ हो जाए। लेके आप कहाँ कहाँ तक गए अभी ये कंप्लेन लेकर के? अभी जो है से हम लोगों का मतलब जो है से कंप्लेन कहाँ लेकर के जाएंगे, इसमें जो है से जहाँ भी मैंने गए हैं अभी तुरंत वर्तमान में जो है से हम लोगों को इसमें 3 तारीख का जो है से इसमें मिला गया था, और बीच में जो है 3 तारीख को आया है कि 2 सप्ताह के लिए जो है से इसको
एक को मिला है कि जो दो सप्ताह का समय मिलेगा और इस बीच में किस तरह से ये लोग अपना साठ घाट कर करके और इस बीच में काउंसलिंग का निकाल दिए हैं। आठ सप्ताह का दिया गया था, इसमें आठ सप्ताह का समय होता है काउंसलिंग, इस बीच में ही ये लोग अपना साठ घाट कर करके गुप्त तरीके से जो है काउंसलिंग का निकाल। आप लोग कहीं नहीं किए कोई आला अधिकारी बड़ी अधिकारी से जो इससे संबंधित इसमें जो है से आप एम ए तो हम ये हम लोगों को प्रधान सचिव के पास इसकी शिकायत करनी है कि हम लोगों को चूँकि जो हम लोग अप्लाई किए हैं आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर के लिए जीएमएस वाले सभी, तो इनमें हम लोगों को हटा करके जो है ये लोग क्यों चल रहे हैं बार बार जो है ना कोई जो है कभी कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फर्जी है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, इसके बावजूद भी जो है हम लोगों का काउंसलिंग के लिए जो है ये आया हुआ है। 14 तारीख को हम लोगों का काउंसलिंग है, इस बीच में जो ये 3 तारीख को जो है ये किसी के द्वारा जो है कहा जाए कि हमारे निबंधक जो है रजिस्ट्रार साहब जो है इन्हीं के द्वारा ही कहा जाए कि ये निकाला गया है कि जीएमएस वाले सभी जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके ये इसमें वो कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उन्होंने बहुत बार है तो वो कैसे बोल सकते हैं, हमारे अरुण कुमार जो है ना पेपर पर लिखा हुआ है जी बताइए बोलिए। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से जीएमएस वालों को बदनाम किया जा रहा है या चिट्ठी निकाला जा रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला जा रहा है कि जीएमएस वाले गैरकानूनी तरीके से इस एग्जाम में माने बहाली काउंसलिंग में आना चाह रहे हैं, उनको अवैध घोषित करने के तरीका किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिस तरह से कोरोना काल का आया उस समय डॉक्टरों की बहुत सारा किल्लत हो गया, डॉक्टरों ने अपना जान भी बहुत गंवाया, आज जीएमएस वालों ने आज कम से कम 10 साल से प्रैक्टिस करके उस पीरियड में भी काम किया है। आज कोई भी जीएमएस डॉक्टर जो जिसके पास रजिस्ट्रेशन है ऐसा नहीं को घर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी वंचित किया जा रहा है। आज नीतीश कुमार सरकार मोदी सरकार को बदनाम करने के सबसे बड़ा साजिश रचा जा रहा है, क्योंकि यह जो अरुण कुमार सिंह बैठा हुआ है यह चाह रहा है कि नीतीश को बदनाम कर दे और भी यहाँ भ्रष्टाचार फैला दे। अरुण कुमार सिंह को अरुण कुमार सिंह जो है जो यहाँ के क्या उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जो हैं पहले के जो रजिस्ट्रार हम लोग रजिस्ट्रेशन दिए थे उनको अवैध घोषित किया जा रहा है, वो अवैध है। तो यार रजिस्ट्रार बहुत काबिल है कि वैध है, यही वैध है, यही अकेले भगवान से पैदा होकर आए हैं क्या, वो अवैध थे, वो भी एक रजिस्ट्रार थे जिसने रजिस्ट्रेशन मुझे दिया और सबों को दिया। ठीक है सर, आप लोगों को बदनाम क्यों किया जा रहा है ये बताइए। बदनाम क्यों किया जा रहा है तो वही जाने क्यों बदनाम किया जा रहा है। आज जीएमएस आज नहीं शुरू से ही जीएमएस चलता है, बीएमएस तो बाद में ही आया है, पहले तो जीएमएस ही था सर, बीएमएस तो बाद में ही आया ना। हाँ फिर भी यह कंडीशन बना, आज तक जीएमएस ही पूरा भीड़ उठाता चला आ रहा है, आज गांव देहात में जहाँ भी है जीएमएस ही काम करता आया, आज बीएमएस आया तो भी कर रहा है। लेकिन जो जीएमएस था 2003 तक जो वैलिड था जिसका एडमिशन पहले हुआ था उसका एग्जाम हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, तो इस रजिस्ट्रेशन को वैध कैसे नहीं मानिएगा, वैध कैसे घोषित कर दीजिएगा। आज हम लोग क्या ऐसा थोड़े ही हम लोग बैठे हुए हैं गाँव देहात में, लोग का सेवा नहीं कर रहे हैं, अवश्य सेवा कर रहे हैं। आप तो चाह रहे हैं कि इस बिहार में और भी भ्रष्टाचार फैलता चला जाए। सर भ्रष्टाचार तो उसी के सरकार में हो रही है आप लोगों के साथ। नहीं वो सरकार नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, वो सरकार को बदनाम करने का व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है, जान जाइए। क्योंकि इसका लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ेंगे, हम लोग छोड़ पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग आज तक पब्लिक सेवा करते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, इस उम्र तक आ गए कि हम लोग बैक हो जाएंगे। अब नौकरी की बात करते हैं, नौकरी कैसे नहीं दीजिएगा, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि मुझे सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया है, प्रमाण पत्र है मेरे पास, उस प्रमाण पत्र को कैसे गैर कानूनी आप घोषित कर दीजिएगा जिसको सरकार ने मान लिया। अकेले आ गए आप, अब जब आ गए रजिस्ट्रार का सिग्नेचर किया हुआ, ये तो सर वायरल हो रहा है सर, ये तो वायरल हो रहा है, तो आप रजिस्ट्रार बन गए समय इस थोड़ी क्या भगवान हो गया, मुख्यमंत्री नहीं हो जाइएगा। आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे ये बताइए, ये एक्शन इस पर लिया जाएगा, उससे एक्शन होगा, इस पर एक्शन ना होने की सवाल नहीं है, जैसा ही चाहेगा वैसा ही एक्शन लेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ से नहीं आगे तक जाएंगे, अब मेरा आगे तक हम लोग का रास्ता खुला हुआ है, कोर्ट के जरिए भी आप लोग जाइए, कानूनी सहारा भी एकदम अवश्य लेंगे, कैसे नहीं कानूनी सहारा लेंगे, न तो करके देखे वो, उसके बाद हम लोग कहाँ तक नहीं जाएंगे वो हम लोग बात बताएंगे, फिर बाद में फिर दोबारा भेंट करेंगे आपसे हम जी। तो बताइए आप लोग अब क्या कीजिएगा आगे, आप लोगों तो बदनाम कर रहा है सर, बदनाम कर रहे हैं तो उसी के लिए तो हम लोग एकजुट हो रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी बीएमएस और जीएमएस इक्विवेलेंट है, तो बीएमएस को वैलिड कर रहे हैं, जीएमएस को अनवैलिड कर रहे हैं। अदर स्टेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या बोल रहे हैं
दूसरे स्टेट में हाँ। दूसरे स्टेट में जो है से जब भी बीएमएस का वैकेंसी हो रहा है या आयुर्वेद का वैकेंसी आता है तो बीएएमएस समकक्ष करके दिया जा रहा है और हम लोगों को जो है से यहाँ बिहार सरकार में जो है से मतलब इस तरह का दोषारोपण हो रहा है, मतलब इग्नोर किया जा रहा है जीएमएस को, सोचा हुआ साजिश के तहत किया जा रहा है, इसमें इस तरह का जो है से मतलब ये हो रहा है। और ये खास करके हम ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे पूरे मीडिया कर्मी, पूरे पत्रकार भाइयों का कि इसमें जो है से टोटल भूमिका रजिस्ट्रार साहब का है जो अभी वर्तमान निबंधक हैं, मतलब जो है ये अरुण कुमार सिंह, टोटल हम लोगों को किस तरह से मतलब इसमें घसीटा जा रहा है बगैर में, मतलब जो है से हम लोग जो है से उनके पीछे मानहानि का, उनका स्वार्थ क्या है मूल रूप से, स्वार्थ उनका क्या स्वार्थ होगा, अब इसमें क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं वो तो वो समझेंगे, या तो मैंने किसी तरह उसको जो है से मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त करना चाहते होंगे, किसी तरह का कोई उवाही करना चाहते होंगे, कैसे की उवाही कहीं से करना चाह रहे हैं, यही तो लगता तो यही है ना। तो हम लोगों से उनका कोई जातिगत दुश्मनी तो नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो फिर हम लोगों के पीछे इस तरह का क्यों पड़े हुए हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने क्या क्या काम किया, काफी जान का बाजी लगा दिए हैं हम लोग जी। जान का बाजी लगा के जब पूरा जो है से, और चिकित्सक लोग जो है से मतलब ये थे तो हम लोग तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह करके और पूरा जान की बाजी लगा करके मैंने सेवा किया है, जनता को मैंने बचाने का काम किए हैं। दूसरी लाइन में पूरा सेवा। आपने भी सर दूसरी लाइन में काम किए थे? जी कंटिन्यू हम लोग 10 वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं, हर परिस्थिति में हम लोग साथ में रहते हैं जी। तो आपने सुना किस तरह से एक रजिस्ट्रार का सताए हुए ये लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर, इनका साफ तौर पे कहना है कि रजिस्ट्रार मनमानी कर रहा है। और ये देखिए ये कागज है जिसमें इन्होंने दिखाया कि रजिस्ट्रार के द्वारा इन्हें जिस तरह से इनका कोई दोस्त नहीं है, इन्हें सोशल मीडिया के सहारे इन्हें बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मगर इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इन्होंने बोला है इस मुद्दे को हम आगे भी ले जाएंगे, यह हमारे सहारे के साथ सभी को बताना चाह रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रार इनका शोषण कर रहा है और इन्हें बदनाम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।